सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरां रुक सब तो पहला करांगे। पंजाब कांग्रेस दे विच लगातार छिड़े हुए आपसी जंजाल दे वाल, जी हाँ हुणे आपसी जंग वक्खो वक्खरे तरीकों दे विच वेखण नूं मिल रही है। एक पासे जिथे कैप्टन खेमे दे वल्लों कैप्टन फोर 2022 दे लई कंपेनिंग की शुरुआत कर दी गई है। पंजाब के कई शहरों के वड्डे वड्डिया होल्डिंगा लगा दित्तियां गईयां ने, कई जगहों के उत्ते सोशल मीडिया के उत्ते पोस्टर जारी किए जा रहे हैं जिथे पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगया जा रहा। अजिही कंपेन जी कैप्टन खेमे के वलों चलाई जा रही है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के वलों भी अपने पद्धर के उत्ते मुहिम की शुरुआत कर दी गई है, जिसकी शुरुआत इस कदर नज़र आई है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू बीते दिन एक समागम के पहुंचे सी वातावरण दिवस के मौके के उत्ते। उस वक्त उन्होंने नाल जो नौजवान से उन्होंने टी शर्टा के उत्ते लिखा हुआ सी सारा पंजाब सिद्धू नाल। सो ये लाइना लगातार अजिहियां संकेत दे रही ने कि पंजाब दे विच हुण विरोधी कंपेनिंग कांग्रेस दे विच शुरू हो चुकी है। अपने आप नूं प्रजेंट किया जा रहा है दोवां धिरां दे वल्लों तां जो पंजाब दे विच 2022 दे विच मजबूती दे नाल पेश आ सकन। इस उत्ते सीधा रुक करांगे सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला होणा दे वल। डल्ला साहब किदां वेख रहे हो जिहड़ी आह पोलिटिकल कंपेनिंग की शुरुआत इक्को पार्टी दे विच इक दूजे दे खिलाफ शुरू होई है? देखो हुंदा की है ना, अजकल सोशल मीडिया का जमाना है, होर्डिंग्स लग जाते हैं, फेसबुक के पेज बन जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत सारे जिहड़े समर्थक नौजवान ने उन्होंने अपने अपने ग्रुप अपने अपने पेज बना ले। कैप्टन अमरिंदर के समर्थक लोग ने कई उन्होंने अपने अपने पेज बना ले। पर जिहड़ा पोलिटिकल सिस्टम है ना, पोलिटिकल सिस्टम नूं होर ट्रांसपेरेंट होना पवेगा। अपने आप किसी नूं भी सो देखो ये लिख सकते हैं कांग्रेस वाले, कांग्रेस के लीडर यदा जिन्ना मर्जी प्रचार करन भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़े सारा पंजाब उन्होंने नाल है, ये इदां दीआं गल्लां कर सकते हैं। पर जदों असीं ऐलान दिंदे आ, जिवें सुनील जाखड़ ने कहता सी वी असीं कैप्टन अमरिंदर की अगवाई 2022 दीआं चोणां लड़ांगे, उन्होंने इशारा इस रूप च कीता सी, रौला पै गया। इस तरह मैं अमृतसर देखना पोस्टर लग गए भी 2022 साडा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होणगे। ऐलान नहीं होना चाहिए, यह ऐलान पार्टी के प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। जे कोई इंडिविजुअल अपने लैवल से यह अनाउंसमेंट करता उन्हें इनडिसिप्लिन की कैटागरी रखा जाना चाहिए। ऐ तो फिर ये ही गुटबाजी वधदी है, गगनी ये ही धड़ेबंदी वधदी है। हुण बहुत सारे लोग कहिंदे जी कैप्टन अमरिंदर नूं रुकवाना चाहिए, यह चीज़ सिद्धू बारे भी कहिंदे आ वी सिद्धू नूं यह चीज़ रुकवानी चाहिए है। अगर कोई कहिंदा कि नैक्सट सीएम सिद्धू, आम लोग जिवें मर्जी गल करन पर कांग्रेस के वलंटियर उन्हां दी टीम के साथी इस तरीके नाल अगर गल्लां नूं अगे लैके जांदे ने, होर्डिंग बनाउंदे ने, पेज बनाउंदे ने, उन्हां नूं अवॉयड करना चाहिए। ये लोगों ने तय करना है, तुसीं उम्मीदवार के तौर पर ऑफिशियल तौर पर जदों अनाउंस हो जाए तदों तद दसो। जदों कांग्रेस की हाई कमांड कह दे भी आ साडा चेहरा, फिर गल समझ आउंदी है। हाँ पत्रकार क्या सलाह सकते हैं भी चेहरा किहड़ा हो सकता है, वो साडा काम है कि आ चेहरा हो सकता है, आ दावेदार है, आ दावेदार है। जिहड़ी पोस्टर वार है ना, कई वारी मैं सुखपाल खैरे दे देखदा सी, हुण आ खैरे दे पोस्टरां दे जिक्र बड़ा होई जांदा खैरे बारे भी कि खैरे ने आ करता। खैरे दे जिहड़े पोस्टर ने चुटकले जिहड़े छपे ने, मैं वो वरत नहीं सकदा शब्द कि किहो जी शब्दावली उन्हां पोस्टरां ते वरती जांदी है। ठीक है खैरा सुखपाल खैरा जिन्हां गल्लां ते पहलां स्टैंड लैंदे सी वो केजरीवाल वाली गल ही करती खैरे ने भी, जमा ही यूटर्न मार गए खैरा साहब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किड्डा निंददे सी किसी समय। आ बीबी एक जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दी फ्रेंड है, उन्हां बारे किड्डी वड्डी मंग कीती सी गृह मंत्री तो सुखपाल खैरा ने, कहिंदे चिट्ठी भी लिखी सी शायद भी जी वो पता कीता जावे वो कौन ने। उन्हां कैप्टन अमरिंदर ने आप ही कहता सी कि मेरे फ्रेंड ने, पर सुखपाल खैरा उत्थे तक चले गए। मैं किसी की निजी जिंदगी ते फरोला फराली करन दे खिलाफ हुंदा, पर हुण सुखपाल खैरा नूं उही चंगे लगन लग गए एडे, कहिंदे जी वो तो बंदे ही बहुत वधिया ने, वो मुख्यमंत्री तो चलो हैगे ने, पर इहदे करके चुटकले बन रहे सुखपाल खैरा ते। और सुखपाल खैरा ने अपने मुँहों आप गल कही सी भी सियासत च कुछ भी हो सकता है। उधर बीते दिन सांसद परनीत कौर के वलों नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके दिल्ली दे विच इक टिप्पणी की गई सी कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना हलका संभालन, पंजाब दे विच ओह की कर रहे ने। इस नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी ने जवाब दिता, उन्होंने इस संबंध दे विच सारे खुलासे कीते ने। नाल ही वड्डी गल रही कि उन्होंने पंजाब सरकार नूं पंजाब दे विच शासन किस तरह चलाउणा इस चीज़ का शीशा विखाया। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब दे विच शराब दे उत्तों ही मालिया इन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते खड़ा किया जा सकता है कि पंजाब अपने सिर दे उत्ते खड़ा हो सकता है। देखो वो टाइम आने पर जाहिर करांगे, ठीक है ना।
नहीं उन्होंने थ्रोम्बोएम्बोलिज्म थानू पता लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज सी उस तो बाद उन्होंने कॉम्प्लीकेशनज आई उन्होंने एक सर्जरी हुई जिदे लिए 2 महीने उन्होंने बेड रेस्ट चाहिए सर। मैं पटियाले की होने करके मेरे सारे डॉक्टर्स इतने के होने करके मैं उन्होंने इतने बुलाया। लिवर उन्होंने 3rd grade चले गया सीगा हजे कि वह वैजीटेरियन है टी टोटल है थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म की दवाई छड़न लई थानू पूरी डाइट चेंज ओवर चाहिदा सीगा किन्ने ऑयल्स बंद करने हैं किन्ने वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है बंदे नू 2 बार वो ICU जमा हो चुके हैं। सिद्धू परिवार ने 2004 तो बाद अज तक 2 बार मैं सीरियस हुई एम्स से अपोलो च दाखिल हुई 2 बार वो अपोलो च दाखिल हुए परिवार बीमार होया 1 रुपया भी दस दो सरकार तो लिता हो कोई मैं पॉलिटिशियन दिखा दो जिन्हें फंड सरकारी ना लिता होवे क्योंकि सानू लग्या भी साढ़े कोल पैसे आ सी ये लोगों के पैसों नाल अपने इलाज नहीं करने असी सरकारी फंड चो इलाज नहीं कराए दा मतलब यही भी असी बीमार नहीं होंगे तो साडा घर है 1960 का बनया होया है तो साडा हक है अपने घर जाके रहन दा ते अपना इलाज करा दा। उधर बीते दिन किसानों का प्रदर्शन चर्चावां दे विच रिहा है पूरे भारत दे विच किसानों के वल्लों प्रदर्शन किया गया है जिथे 5 जून नूं इन्हां कानूनां नूं लागू होए पूरे 1 साल का समा हो चुका है। इस मौके के उत्ते संपूर्ण क्रांति दिहाड़ा मनाया गया। इस दिन किसानों के वलों भाजपा आगूआं भाजपा के मंत्रियों ते विधायकों के घरां दे बाहर कानूनां दीआं कापियां साड़ी गईआं अते प्रदर्शन किया गया। इस दीआं तस्वीरां पूरे भारत दे विचों सामने आईआं ने। पहला तस्वीरां तुहानूं लुधियाणा शहर दीआं विखावांगे जिथे लुधियाणा दे विच भाजपा के सबका प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के किसानों का रुख काफ़ी तत्ता नज़र आया है। किसानों का कहना है कि जेकर सानू 2024 तक भी प्रदर्शन करने के लिए बैठना पाया तो असं उत्थे जरूर बैठांगे। इस नू लैके लगातार जिहड़ा प्रदर्शन वेखण नू मिले ने तुसीं भी ये तस्वीर जिहड़ियां वेख रहे हो लुधियाणा शहर दीआं तस्वीरां ने। सो एक गल ये 7 साल का कार्ज जिहड़ा सरकार का पूरा ही निकम्मा कार्ज साबित होया 26 मई नू आपां काला दिवस मनाया। ये सरकार का ये गल कि 7 साल जिस दिन तो शुरू होया नोटबंदी GST पहले ना नोटबंदी च लोग मारे लड़ाइया च खड़ खड़ के मरे कौन थोड़े मेरे बाप इन्हां दे नहीं बड़े घराणियां दे मरे। फिर GST च व्यापारी गरीब GST मारे गए GST दे विच छोटे व्यापारी मारे गए। फिर उस तो बाद सिटीजन अमेंडमेंट NPRC फिर उस तो बाद धारा 370 फिर करोना फिर काले कानून हुण फिर करोना। सो इस करके मोदी सरकार दीआं नीतियां दे खिलाफ असीं डट के पहरा दिता होया 6 महीने हो गए दिल्ली चाहे 6 होर हो जाण चाहे 24 तक लड़िए। ते उह करदीआं तस्वीरां रूपनगर दीआं ते पंजाब दे वख-वख हिस्सिआं दीआं विखाउंदे आ जिथे किसानां दे वल्लों प्रदर्शन कीता गया। ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 71ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ DC SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਆਪਣਾ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਲੱਗੂ ਨੇ BJP ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਪੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਸ ਪੀ ਆ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੌਂਸਲੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਂਸਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਐਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਾਸਟ, ਧਰਮ, ਰੀਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 400 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1060 ਰੁਪਏ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, MLA, XML, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ 400 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ 1060 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
पिछले कई सालों तो चलता आ रहा मसला हुआ पंजाब दे विच एससी स्कॉलरशिप का। एससी स्कॉलरशिप विद्यार्थियों ना मिलन के उत्ते लगातार हुण करदे जा रहे हैं। इस नूं लैके आम आदमी पार्टी की विधायक सरबजीत कौर माणुके के वलों भी पंजाब सरकार नूं घेरिया गया। उन्हां दा कहना सी कि कई मंत्रियों ते विधायकों का नाम इस दे विच बोल रहा है, जिस करके जेकर जदों भी साडी पंजाब दी सरकार बनाई जांदी है 2022 दे विच जदों साडी सरकार आउंदी है ते सब दे उत्ते गंभीर कार्रवाई करांगे ते अजिहे घोटाले करन वालियां दा पर्दाफाश करांगे। दलितां दे हक्कां दी राखी करदियां गद्दी ते बैंदियां सरकार सरकारां पर समझ नहीं आउंदी कि जदों गद्दी ते बैठ जांदियां राजभाग लै लैंदियां उदों दलितां दे हक्कां नूं दलित बच्चियां दे हक्कां नूं क्यों अखों परोखे करदियां। अज पंजाब सरकार दे विच जिहड़ी पंजाब सरकार कहिंदी सी कि पिछली अकाली सरकार बारे बल्ले बड़ा बड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का स्कैम होया जिदा अलग अलग खुलासा करना बहुत जरूरी है। साड़ी सरकार बनते सार जिन्ना करके उन्हें बच्चों का नुकसान होया उन्हें चक के अंदर सिटेंगे ना उन्होंने बच्चों हकों की राखी करा। अज सरकार दे विच सरकार लोग लुभाने गल्ला करती है बजट दे विच हर साल 800 करोड़ रखती सरकार एक तरह ना पंजाब के दलित बच्चों 3200 करोड़ रख चुकी है पर दिता कुछ नहीं बच्चों। अज साडा 2 लाख बच्चा 1054 करोड़ प्राइवेट कॉलेजों को रिलीज नहीं किया इन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिस करके एक साडा 2 लाख बच्चा अज डिग्री तो वांझा हो गया, डिग्री लैन तो रोल नंबर नहीं मिल रहे उन्होंने। असं तो रुपया की गिनती गिनना चाहते हैं, अस तो पैसे वाले लोग हाँ, तुसी करोड़ों की गिनती आप गिनो तो अपने मंत्रियों को गिनाओ, साडे बच्चों का रोल नंबर दवाओ, साडे बच्चों का भविख दाते हैं। मैं चेतावनी दिनी हाँ पंजाब सरकार को कि जल्दी तो जल्दी इस जल्दी तो जल्दी साढ़े 2 लाख बच्चों रोल नंबर दवा के पेपर के बिठाओ, नहीं आम आदमी पार्टी कैसा संघर्ष बढ़ेगी कि तुहाडी गद्दी हिला दे। अकाली दल के वालों भी इस मसले के उत्ते प्रतिक्रम दिता गया। गल यह है बड़ा अफसोस होंदा है कि जिहड़े दलित परिवारों के बच्चे ने वो मेहनत करके एजुकेशन लैके जिंदगी अगे वधना चाहते हैं पर जिहड़ी वार वार पंजाब सरकार की पॉलिसी है और जिस दी के जिहड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की दुरवरतों हो रही स्कैंडल हो रहे इहदे विच उहदे करके उन्होंने जलालत का सामना करना पै रहा। हुण फिर प्राइवेट कॉलेजों वालों ने फैसला कर लिया कि असी उन्हां बच्चों नूं रोल नंबर नहीं देने जिन्हां दे सानू सरकार ने जिहड़े पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे पैसे नहीं दिते, क्योंकि 1548 करोड़ के करीब हाले भी उन्हां दा बकाया पिया। इहदे नाल जिहड़े बच्चों का भविख है 2 लाख का वह फिर खतरे च पै गए। इसलिए पंजाब सरकार नूं जागना चाहिए, इमीजिएटली प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों नूं पैसे रिलीज करने चाहिए है और बच्चों के नाल जिहड़ा वार वार इस तरीके जलालत का व्यवहार हो रहा इहनूं रोकना चाहिए। महंगी वैक्सीन विकण के उत्ते भाजपा के वलों भी पंजाब सरकार नूं घेरिया गया। पंजाब दे विच भाजपा प्रवक्ता अनिल सरीन के वलों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस लुधियाणा दे विच कीती गई है जिथे उन्हां पंजाब सरकार दे अजिहे कार्य नूं मंदभागा दस्सिया। उन्हां दा कहना सी कि लोकां दीआं जानां दे उत्ते अजिही सियासत नहीं होनी चाहीदी। भारतीय जनता पार्टी इस गनौनी हरकत दे उत्ते कड़े शब्दां च निंदा करदी है और पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दे इस्तीफे दी मंग करदी है। जे थोड़ी जी भी नैतिकता हैगी है, थोड़ी जी भी शर्मया हैगी है तुहानू ते बलबीर सिंह सिद्धू नूं अज शाम तक रिजाइन कर देना चाहिए है। और जे रिजाइन नहीं करदे ते मुख्यमंत्री दे विच भी जे थोड़ी जी भी शर्मया बची है ते शाम तक उसनूं डिसमिस कर देना चाहिए। कोरोना दी महामारी होवे और असी इस तरह के गनौने कांड करिए पैसे कमाइए, तुसी सारे ने देखिया वेंटीलेटर्स नाल भी इन्होंने यही किया। केंद्र सरकार ने 809 वेंटीलेटर आम जनता की सहूलियत वास्ते कोविड के दौरान भेजे, इन्होंने उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बंदे बंद डब्बे च पे ने और बहाना की लाता कि खराब ने। बई जिन्होंने तुसी इंस्टॉल नहीं किया वो खराब कितों हो गए, जे इंस्टॉल किते कुछ वह क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि इन्हें को टैक्नीशियन नहीं सीगा। वेंटीलेटर चलाने वास्ते टैक्नीकल स्टाफ चाहिए, वो किन्नी ऑक्सीजन प्रेशर रखना है, किन्ना वह वायरिंग करनी है, जो सिस्टम हैगा वह टैक्नीकल पार्ट
वो टैक्नीशियन ही हैंडल कर सकता है, तुहाडे मेरा वर्गा अनजान आदमी कोई भी नहीं कर सकता। इन्होंने उस काम भी वो किया। देश के ओडनी सिख के वजो पहचान बना चुके मिल्खा सिंह बीते दिनों तो कोरोना महामारी के नाल संक्रमित ने, उन्होंने पी जी आई हस्पताल दे विच रख्या गया है। बीते दिनों के अजिहां अफवाहां फैलाई गई सी कि उन्हां दी सेहत साजगार नहीं ते उन्हां दे देहात तक दीआं खबरां फैलियां, पर इस उत्ते पी जी आई हस्पताल के डॉक्टरों के वालों भी साफ तौर के उत्ते प्रतिक्रम दिता गया। पी जी आई डॉक्टरों का कहना है कि हुण उन्हां दी हालत जिहड़ी आ स्थिर है ते जल्द उह सेहतयाब हो जाणगे। इसे दे चलदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी खुद वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने पुत्र तो मिल्खा सिंह की सेहत बारे जानकारी ली है, हर तरह की मदद का भी भरोसा दिता है। हेलो जीव जी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, की हाल है थोड़ा? ठीक हो? डैड इज इन आईसीयू इन पीजीआई एंड ही स्टेबल। बट व्हाई डिड ही हैव टू गो बैक? ही हैड कम होम, हैडंट ही? यस, ही हैड कम होम, बट loss of breath and like a respiratory disorder he got, so we had to move him, and his wish was that he wanted, if anything happened, he wanted to go from home, so that's why we got him home. But when he was having a tough time breathing, he requested me that please take me to PGI, so that's why we moved him to PGI. So anything I can do better, tell me please. No sir, thank you for checking on them sir, and we're just praying that hopefully they can. Yes, my prayers are with you. I think the whole of the country is praying because your father is an icon of the nation. Flying Sikh Shri Milkha Singh ji, jo 3 June se PGI ke Nehru Hospital Extension ke Intensive Care Unit mein dakhil hain, unki sthiti mein kafi sudhar hai aur unke sare parameter बिल्कुल स्थिर है। पीजीआई की मेडिकल टीम उनको लगातार मॉनिटर कर रही है। उधर दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है कि दिल्ली के विच हुण अरविंद केजरीवाल के वल्लों ऐलान किया गया है कि दिल्ली हुण अनलॉक हो जा रही है। दिल्ली के विच सोमवार तो मैट्रो फिर तो अपनी पुरानी रफ्तार के उत्ते परतन लगेगी, ते नाल ही उत्थे मॉलां अते होर सारे वड्डियां दुकानां नूं लैके भी खास तौर दे उत्ते हुक्म जिहड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वालों जारी किए गए हैं। ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है, उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे, और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दूसरी चीज़, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज़ खुलेंगी। जदों तो किसान अंदोलन की पिछले एक साल तो शुरुआत हुई है, क्योंकि लगातार पंजाब के समेत हरियाणा के विच इसकी शुरुआत हो गई सी, हुण किसानों दिल्ली दी वरूहां दे उत्ते बैठियां भी 6 महीने तो वाधा समा हो चुका है, पर किसान अंदोलन दी बहुत वड्डी देन रही है कि पंजाब के किसान काफ़ी अगांह वधू होकर सोचण लगे ने। अजिहा एक तरीका नवा वेखण नूं मिलिया है जिथे एक किसान हट की शुरुआत की गई है, 3 लाख रुपए के नाल किसान हट की शुरुआत हो सकती है।
स्टोर खोलिया जा सकता, इस दे विच किसानां नूं भी बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते फायदा होवेगा, इस चीज़ का दावा किया जा रहा है। पंजाब दे विच अते पंजाब तो बाहरले सूबियां दे विच हर जगह दे उत्ते किसान हट्टां खोलियां जा रही ने, जिस दे नाल किसान 13-13 ब्रांड एक अपने पद्धर दे उत्ते पेश होवेगा। भी जेकर ये साडियां जमीनां नप्पण आ गए आपां फिर आपां दुकानां ही खड़ियां कर दईए। तो इहदे विचों फिर एक वीडियो वायरल होई, एक वीर ने कीती ते उह 4 मिलियन विच गई सी ते लोकां ने कहा जी करो, हुण मैनूं मैसेज आ गए, मैं तुहानूं दिन रात हुण गल ये हुंदी ना बिल्ली दे गल टल्ली बन्ने कौन। फिर उह शुरुआत कीती, फिर दूजा सवाल सी भी थोड़ा समान बनता कितने, तुसीं कारपोरेट तो ही लैंदे होवोंगे, वह आ गया विच। फिर असीं फैक्टरी लाई 13 अप्रैल नूं उहदा मुहूर्त किया, तो इस वेले जिहड़ा पंजाब का असीं पूरा सिस्टम तैयार कर रहे, 80 डंप असीं बुक कर चुके हैं, 117 टोटल ने फैक्टरी तो माल अपना माल, तो 117 डंपा के उत्ते जाना, तो डंपा तो स्टोर 90 दिनों में 30 अगस्त तक 5000 स्टोर खोल देंगे, टारगेट लैके चले हैं। इसका मुख्य कारण तो उही है कि आपां नूं किसानां नूं सपोर्ट करना चाहिए, तो जिदा कि किसान अंदोलन चल रहा है तो किसानों उन्होंने वाजिब रेट नहीं मिलते हैं, तो ये इस सब के चलते हुए इन्होंने एक उपराला किया है किसान हट का, तो ये भी जेड़े लोग इनू लै रहे उन्होंने भी फायदा है, तो किसान जोड़े बेच रहे उन्होंने भी फायदा है, प्रोपर मार्जिन है, तो जोड़े व्डे कारपोरेट है उन्होंने वास्ते मतलब कि उन्होंने थोड़ा बहुत आप ठल पावे इन्हों करके, तो इस करके आई थिंक ये बहुत वधिया उपराला इन्हों का, तो आप इन सपोर्ट आप करना चाहिए, तो आप कर भी रहे हैं। उधर लगातार मुल्क दे विच वध रही महंगाई हुण देश की मोदी सरकार दे लई वड्डियां मुश्किलां खड़ियां करती जा रही है। आम लोगों की जेब दे विचों बाहर हुंदी जा रही पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां नूं लैके यूथ कांग्रेस दे वल्लों दिल्ली दे विच प्रदर्शन किया गया। उन्हां दा कहना है कि जो हालात चल रहे ने जां तां सरकार छड्ड दो जां फिर इन्हां वध रही महंगाई दे उत्ते थोड़ी बहुत रोक जरूर लगनी चाहीदी है। मेरा सीधा और साफ कहना है, अगर सरकार इतने निचले दर्जे पे उतर चुकी है या इनके पास में इनकम के दूसरे सोर्सेस नहीं बचे तो क्यों इस्तीफा नहीं दे देते ये लोग, इनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे वक्त में बढ़ा रही है रेट, जब कोई भी व्यक्ति रास्ते पे उतर के लॉकडाउन के वजह से कोई भी इसमें विरोध प्रदर्शन ना कर सके, जो ऊपर आश्वासन पे बैठे हैं उनकी वजह से ये इतना बड़ा महाकाल हमारे देश में फैला है। मैं उन सबसे ये बोलूंगा और मेरी मांग है कि वो आए और वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे देखे। आज जितने भी हम यहाँ पे यूथ कांग्रेस के सेना हम यहाँ आए हैं, हमने पीपी किट पहन के, क्योंकि इस देश में प्रदर्शन करना हमने कभी बंद नहीं करना, इस वजह से हम पीपी किट पहन के हम यहाँ आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो ये रेट 100 पार हो चुका है इसको कम कराया जाए, क्योंकि जो गरीब आदमी है, जो जरूरतमंद आदमी है उस पर डिफिकल्टी ना पहुंचे। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल इना ही, फिर मुड़ हासिल होने नवीं ते ताज़ा अपडेट्स दे नाल, तद तक लई मैनूं दिओ इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।